साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में दोस्तों अपन देखने वाले हैं संडे कमेंट बॉक्स नंबर 4, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्स के रिप्लाई अपन यहां पे करेंगे, जिससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा होगा। ये जो डाउट्स होते हैं दोस्तों, जिस व्यक्ति ने कमेंट किया है उसका डाउट तो यहाँ पे क्लियर होता ही है, साथ में और भी लोगों के डाउट्स यहाँ पे क्लियर होते हैं। तो ये जो वीडियो होता है वो सबसे ज़्यादा यूजफुल होता है, सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है, क्योंकि बहुत सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं। तो इससे पहले 3 वीडियोज अपन ऑलरेडी देख चुके हैं संडे कमेंट बॉक्स के, उनके लिंक या वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखे उनको देखिए, इससे बहुत सारे डाउट्स आपके यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो अपन शुरू करते हैं, उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक भी अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि उपयोगी ज्ञानवर्धक एवं ऑथेंटिक जानकारी वाले वीडियो आपके पास पहुँचते रहें। तो दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं संडे कमेंट बॉक्स नंबर 4। इसमें देखिए दोस्तों, पहला कमेंट है मनोज जी राठौड़ का। ये कमेंट है कि सर जी, बकरी को मैं देखने गया था, बकरी के थन पे मस्से हो गए हैं, उसका क्या इलाज करना है। तो देखिए, मस्से जो वार्ट की जो प्रॉब्लम होती है दोस्तों, या पेपिलोमा की प्रॉब्लम बोल सकते हैं इसको अपन, इसके ट्रीटमेंट के लिए लिथियम एंटीमनी टार्ट्रेट का यूज करते हैं अपन। अब लिथियम एंटीमनी टार्ट्रेट के बहुत सारे इंजेक्शन मार्केट में अवेलेबल होते हैं, उनके बारे में एक अलग से वीडियो में अपन देखेंगे कि जो लिथियम एंटीमनी टार्ट्रेट है उसकी क्या डोज होती है और कैसे अपने को उपयोग करना चाहिए। अगला कमेंट देखिए दोस्तों, ये CS अजमेरा जी का कमेंट है कि सर जी, मैं के वीडियो ऑन कौन कौन से इंजेक्शंस को आपस में मिलाकर जनरली दे सकते हैं, ताकि बार बार एनिमल के शरीर पर पेनिट्रेशन ना करना पड़े। तो देखिए, इस टाइप का एक कमेंट अपन पहले भी देख चुके हैं कि कभी भी दो इंजेक्शंस को आपस में मिलाकर नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। कोई भी जो दो दवाएँ हैं उनका अलग अलग केमिकल स्ट्रक्चर होता है, अलग अलग केमिकल फॉर्मूला होता है उनको, तो उनको आपस में मिलाने पर दोनों की जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब होती है, और उससे उस दवा की, उस मेडिसिन की जो पोटेंसी है, जो एफिकेसी है, यानी उन दवाओं का जो असर करने का जो तरीका होता है या उनकी जो उपयोगिता होती है, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती है। तो कभी भी अपने को दो इंजेक्शन मिलाकर यूज़ नहीं करने चाहिए। अब बात करें जनरली, तो जनरली केसेज में अपन जैसे रेंटेक है, मेटक्लोप्रोमाइड है, इन दोनों इंजेक्शन को मिलाकर यूज़ में लेते हैं। या उसके अलावा अपन बात करें दोस्तों, तो अर्थराइटिस के केसेज में अपन जेंटामाइसिन और डेक्सोना को मिलाकर भी इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन लगाते हैं। तो कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस होती है जहाँ पे अपने को दो दवाओं को एक साथ मिलाकर दे सकते हैं, परंतु जनरली अपने को जनरल प्रैक्टिस में इस चीज़ को नहीं लाना है, कभी भी दो दवाओं को आपस में नहीं मिलाना है। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट कमेंट देखते हैं। उमर हसन जी का ये कमेंट है, डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन प्लेन एंड ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन LA। तो देखिए, जो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन प्लेन होती है उसमें जो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन की कंसंट्रेशन होती है 50 mg/ml होती है, जबकि LA जो होती है लॉन्ग एक्टिंग, उसके अंदर 200 mg/ml होती है। तो इनकी कंसंट्रेशन में फ़र्क होता है, जिसकी वजह से इसका इफेक्ट होता है LA का, वो लंबे समय तक रहता है, इसलिए इसका उपयोग अपने को रिपीट नहीं करना होता। तो ये कुछ बेसिक सा डिफरेंस है, पूरा डिफरेंस अपने एक अलग वीडियो में देखेंगे इसका। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ये दलवंदर सिंह जी का कमेंट है कि सर, कुछ लोग बोलते हैं कि इस इंजेक्शन को लगाने से हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है, इंजेक्शन रिमोट वेट के बारे में बोल रहे हैं। तो जो फ्लूसेमाइड होता है दोस्तों, एक डायूरेटिक दवा है, जो कि क्या करती है, ब्लड में जो एक्सेस वॉल्यूम है या बॉडी में जो एक्सेस वाटर है या एक्सेस फ्लूड है, उसको एब्जॉर्ब करके यूरिन के थ्रू पास करवाने में ये मददगार होता है। तो इसका रिलेशन कैल्शियम से कहीं नहीं होता, जो वाटर होता है उसका रिलेशन केवल पोटेशियम और सोडियम आयन से होता है, कैल्शियम से इसका कोई रिलेशन नहीं होता। तो हाइपोकैल्शीमिया फ्लूसेमाइड के यूज से हो जाएगा, ये बात बिल्कुल निरर्थक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, दलवंदर सिंह जी का ही ये कमेंट है कि सर, एपिडोसिन इंजेक्शन के बारे में पूछ रही है कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट स्पाज्म में प्रेगनेंसी में यूज हो सकता है या नहीं। बिल्कुल नहीं हो सकता, प्रेगनेंसी की कंडीशन में अगर इसको यूज ले लेंगे अपन, तो जैसा कि अपन जानते हैं एपिडोसिन सर्वाइकल मसल्स को डायलेट करता है, सर्विक्स वहाँ पर ओपन हो जाएगी और जो अंदर जो फीटस है वो बाहर आ जाएगा और उस एनिमल का अबॉर्शन हो जाएगा। तो इस स्थिति में कभी भी इंजेक्शन एपिडोसिन का उपयोग नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट कमेंट देखिए, दीपक जी दुबे का ये कमेंट है कि सर, माइकोप्लाज्मल मेस्टाइटिस में टिप को ड्राई करने के लिए क्या करें जब थन गिरने की पोजीशन पर हो। देखिए, जब थन गिरने की पोजीशन पर हो तो उसको अपने को सर्जिकली वहाँ से एम्पुटेट करना होता है। थन गिरने की कंडीशन में आ जाए, उस कंडीशन में
सर्जिकली अपने को वहाँ से उस टीट को रिमूव करना पड़ेगा, जिसे अपन टीट एम्पुटेशन बोल सकते हैं। तो सर्जिकली उसको वहाँ से रिमूव करेंगे अपन और वहाँ पे अच्छे से सूचरिंग करेंगे, ठीक है। उसके साथ ही जो टीट कैनाल होती है उसको भी अपने को ब्लॉक करना होता है, और उसको ब्लॉक करने के लिए कॉपर सल्फेट का उपयोग अपन करते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अनु कुमारी का एक कमेंट है कि सर LSA की वैकेंसी कब तक आएगी। तो LSA की वैकेंसी के बारे में संभावना व्यक्त करना बिल्कुल सही नहीं होगा, या मैं कह सकता हूँ अभी के समय में अपन कोई संभावना व्यक्त नहीं कर सकते कि LSA की वैकेंसी कब तक आ जाएगी। नेक्स्ट कमेंट देखिए, नेक्स्ट कमेंट है सर कैसे पता करें कि पथरी का प्रॉब्लम है या कुछ और है, प्लीज़ डिफरेंस करें। तो देखिए दोस्तों, पथरी की जो कंडीशन होती है या यूरिनरी कैलकुलाई की जो कंडीशन है, जिसमें रीनल स्टोन हो सकता है, ठीक है, या जो यूरिनरी ब्लैडर है उसके अंदर स्टोन हो सकता है, या यूरेथ्रा के अंदर स्टोन हो सकता है, जो मूत्र मार्ग होता है उसमें भी पथरी हो सकती है, मूत्राशय में भी हो सकती है, या किडनी के अंदर भी हो सकती है। किसी भी प्रकार की पथरी की स्थिति में जानवर जब यूरिनेट करता है यानी जब पेशाब करता है तो उसको बहुत ज़्यादा पेन होता है और वो एकदम पीछे से झुक जाएगा। ये बहुत ही टिपिकल सा साइन होता है इस कंडीशन का कि जब पेशाब करने की वो कोशिश करेगा तो बहुत ज़्यादा पेन उसको होता है, बहुत दर्द वो महसूस करता है, इसलिए उसका जो यूरिन है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप करके बाहर आता है, यानी ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन अपने को यहाँ पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखिए, ये है दोस्तों प्रताप जी कटारा का कमेंट है कि सर मुर्गी के अंडे से ये प्रोटीन कंटेंट के बारे में जानना चाह रहे हैं कि डाउनर काउ जो सिंड्रोम की कंडीशन होती है उस केस में प्रोटीन सप्लीमेंटेशन के लिए क्या करना चाहिए, कौन सा सप्लीमेंट उसको अपन दे जिससे उसकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। तो देखिए दोस्तों, जो भी केक्स होते हैं जैसे मूँगफली की खली है या सरसों की खल है, तिल की खल है, ये जो खल वाले जो भी प्रोडक्ट होते हैं इनमें प्रोटीन रिच होते हैं, ये प्रोटीन ज़्यादा होता है। उसके अलावा दोस्तों अपन यहाँ पे दाल का भी उपयोग कर सकते हैं, ठीक है, जैसे मूंग की दाल है या चने की दाल अपन घोड़े को खिलाते हैं, उस प्रकार से किसी भी प्रकार की जो दाल होती है उसको भी अपन भिगोकर जानवर को खिला सकते हैं, जो कि प्रोटीन सप्लीमेंटेशन के लिए बहुत ही अच्छा सोर्स होता है। नेक्स्ट कमेंट देखिए दोस्तों, इंजेक्शन बेरेनिल पे कमेंट है, श्याम कालापुरे जी का कमेंट है कि सर प्रोटोजोल इंस्पेक्शन ना हो, इन्फेक्शन लिखना चाहते हैं, प्रोटोजोल इन्फेक्शन ना हो और बेरेनिल RTU इंजेक्शन गलती से लग गया हो तो क्या होगा। इस टाइप की गलती कभी भी नहीं होनी चाहिए, फिर भी अगर गलती से लग गया है तो उस केस में उसको कभी भी, जैसा कि अपन जानते हैं इंजेक्शन बेरेनिल को कभी भी रिपीट नहीं करते अपन, ठीक है, 72 आवर्स से पहले इसको रिपीट नहीं करना होता है। तो अगर सिंगल शॉट अपन ने यूज़ लिया है, एक बार अपन ने यूज़ में ले लिया है बाई मिस्टेक, तो उसका कोई नेगेटिव इफेक्ट वहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा अपने को, और बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है, परंतु ऐसी गलतियां नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, सर एक वीडियो आराम इंजेक्शन पर बनाओ, मैंने नाम सुना है, इसमें क्या साल्ट है। तो देखिए इंजेक्शन आराम जो होता है दोस्तों, रेनिटिडिन का एक इंजेक्शन होता है जो कि एसिडिटी के केसेज में या ब्लोट के केस में अपन यूज में ले सकते हैं, उसका एक अलग वीडियो अपन नेक्स्ट वीक में देखेंगे। अगला कमेंट है दोस्तों संतपाल कुमार जी का कि सर प्रॉपर हीट है कैसे चेक करें इस वीडियो से हॉर्न से। तो अपने YouTube चैनल पर ऑलरेडी एक वीडियो अवेलेबल है, उसका लिंक भी यहाँ डिस्क्रिप्शन में मैं उपलब्ध करा दूंगा कि हीट के साइन क्या क्या होते हैं एनिमल में, ठीक है। अब रेक्टल पाल्पेशन से अपन चेक करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में क्या होंगे, जो दोनों हॉर्न्स होंगे एनिमल के वो रिजिड होंगे, ठीक है, एकदम वो टाइट अपने को महसूस होंगे और दोनों की जो साइज है बराबर महसूस होती है। जो बाइफर्केशन पर अपन जाएंगे तो दोनों तरफ दोनों हॉर्न्स अपने को सिमिलर साइज के मिलेंगे और उनमें जो टोनिसिटी भी वहाँ पे अपने को देखने को मिलती है। अगला कमेंट देखते हैं दोस्तों, इंजेक्शन के डोज को कैलकुलेट करने का मेथड पर शॉर्ट वीडियो बनाओ, MG को ML में कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो आगामी समय में ये वीडियो अपन देखेंगे कि मिलीग्राम से मिलीग्राम पर किलोग्राम को ML पर किलोग्राम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आइवरमेक्टिन वर्सेस डोरामेक्टिन पर ये कमेंट है। तक्सु वानकर का ये कमेंट है कि सर फ्रूसेमाइड इंजेक्शन प्रेगनेंसी सेफ है क्या। बिल्कुल, फ्रूसेमाइड इंजेक्शन का यूज़ अपन प्रेगनेंसी की स्थिति में कर सकते हैं, परंतु इसका ज़्यादा उपयोग प्रेगनेंसी की स्थिति में अपने को अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट कमेंट देखिए, उमर हसन जी का कमेंट है कि सर डज इमिडोकार्ब हैज एनी रोल इन द फैटनिंग ऑफ एनिमल्स। बिल्कुल गलत बात है ये, इमिडोकार्ब से किसी प्रकार की ओबेसिटी एनिमल्स में नहीं देखी जाती, जनरली डॉग्स में इसका यूज करते हैं अपन और दो बार ही इसका यूज अपने को डॉग में करना होता है, ठीक है, और वहाँ पर ओबेसिटी के कोई साइन अपने को देखने को नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट कमेंट है देखिए दोस्तों, हरिओम जी चौहान का ये कमेंट है कि सर काऊ के दो थन में दूध अच्छे से निकल रहा है पर दो थन में दूध जोर से दबाने पर आ रहा है और अडर में थोड़ी स्वेलिंग भी है, दूध में कोई चेंज नहीं है, ट्रीटमेंट बताएं। तो यहाँ पे देखिए,
जैसे कि अपने को दिख रहा है यहाँ पे स्वेलिंग वहाँ पे देखने को मिल रही है, इसका मतलब मेस्टाइटिस की कंडीशन है। इस स्थिति में अपने को मेस्टाइटिस का ट्रीटमेंट करना है। मेस्टाइटिस के ट्रीटमेंट के लिए अपन एक तो एंटी इन्फ्लामेटरी दवा काम में लेंगे, जैसे मेलोक्सिकम या नीमोस्लाइड यूज़ में ले सकते हैं। स्वेलिंग के लिए नीमोस्लाइड का बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट होता है। उसके अलावा एक CPM इंजेक्शन लेंगे और एक एंटीबायोटिक दवा का उपयोग अपन यहाँ पे करेंगे। अगर एक दिन के ट्रीटमेंट से ये सही हो जाता है तो अपन रिपीट नहीं करेंगे, अगर रिपीट करने की आवश्यकता है तो अपन 2 से 3 दिन तक इस दवा का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट देखिए दोस्तों, श्याम कुमार जी का ये कमेंट है कि सर डेक्सोना वर्सेज आइसोफ्लूड ये कंपैरिजन जानना चाहते हैं, तो इसका एक वीडियो अपन देखेंगे जिसमें अपन ये दोनों चीज़ों का अंतर पता करेंगे। नेक्स्ट कमेंट देखिए दोस्तों, दलविंदर सिंह जी का एक कमेंट है कि सर इंजेक्शन एपिडोसिन ये इंजेक्शन अपने चैनल पर उपलब्ध हो चुका है, उसका लिंक भी यहाँ वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उपलब्ध करा दूंगा, जिन लोगों ने वो नहीं देखा अभी तक वो निश्चित रूप से उस वीडियो को देखिए। नेक्स्ट कमेंट देखिए दोस्तों, पवन कुमार जी का ये कमेंट है कि सर टोनो और यूरिमिन में कौन सा बेस्ट है सर जी। तो देखिए टोनो फोस्फोन यानी टोल्डिम्फोस सोडियम और यूरिमिन यानी सोडियम एसिड फोस्फेट, दोनों जो दवाएं होती है फोस्फोरस के सप्लीमेंटेशन के लिए यूज में लेते हैं अपन, जब बॉडी में फोस्फोरस डेफिशिएंसी होती है तो इनका उपयोग किया जाता है। अब दोनों का अलग अलग कंडीशंस में अपन यूज करते हैं, तो कौन सा बेस्ट है इसको डिसाइड करने के लिए दोस्तों पूरा वीडियो अपने को देखना पड़ेगा, तब जाके ये बात अपने दिमाग में सेट हो पाएगी, तब जाके ये क्वेश्चन अपना क्लियर होगा। तो इसका अगले वीडियो में अपन टोनोफोस्फोन और यूरिमिन में कंपैरिजन देखेंगे। कमेंट देखिए दोस्तों, संतपाल कुमार जी का ये कमेंट है कि सर एक बफेलो को खांसी हो रही है और होम्योपैथिक सिरप भी दे रहे हैं लेकिन आराम नहीं मिल रहा है, तो उसका कुछ सॉल्यूशन बताएं, 12 दिन हो गए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो कंडीशन होती है बफेलो में ये अपने को देखने को मिलती है, और ये कब देखने को मिलती है, जब उसके फीड में या फोडर में तो उसके चारे में अपन चेंज करते हैं, जो सूखा चारा होता है जिसे अपन भूसा बोल सकते हैं, खाकला बोलते हैं, तो जो वीट स्ट्रो होती है उसको अगर अपन ने चेंज किया है तो ये कंडीशन अपने को देखने को मिलती है। तो इसके लिए कुछ इलेक्चुरी आती है जैसे चटनी की फॉर्म में कुछ दवाइयाँ उपलब्ध होती है, वो जानवर को अपने को देनी चाहिए। उसके लिए अपन क्या करते हैं, जो इलेक्चुरी है जो चटनी है उसकी जीभ पर उसको लगाते हैं, तो ऐसी प्रिपरेशन आपके आसपास वहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी, वो आप देखिए, उससे आपको निश्चित रूप से फ़ायदा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, सर एक वीडियो आप हाइपोकैल्सिमिया में और हाइपोमैग्नीशिया में क्या डिफरेंस है, बिल्कुल इसका भी वीडियो अपन अगले वीक में देखेंगे। अगला कमेंट देखिए दोस्तों, नंदलाल जी पटेल का ये कमेंट है कि सर जैसा आपने वीडियो में बताया वैसा ही लक्षण हमारी भैंस को देखने को मिल रहा है। नंदलाल जी, मैं आपकी समस्या का जो समाधान है वो अपनी वीडियो में ऑलरेडी उपलब्ध है, तो उस वीडियो में जो मेडिसिन जो बताई है, सबसे पहले आप उसकी डीवर्मिंग करवाइए प्रॉपर अच्छे से दवा से, उसके अलावा उसको जो लीवर टॉनिक है वो आप रेगुलर रखिए। लीवर टॉनिक की वजह से उसका जो लीवर स्ट्रेंथन है उसमें थोड़ा टाइम लगता है, लीवर टॉनिक जैसे अपन उसको रेगुलर रखेंगे उसके लीवर को मजबूती मिलेगी और उसका जो पतले गोबर करने की जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे सही हो जाएगी। उसके लिए आप रेगुलर डीवर्मिंग रखिए, दूसरा उसको रेगुलर आप मिनरल मिक्सचर देते रहिए, और तीसरा इसमें आप रेगुलर उसको लीवर टॉनिक देते रहिए। नेक्स्ट कमेंट देखिए दोस्तों, संतपाल जी का ही ये कमेंट है, नमस्कार सर, यदि हाफ अडर में गांठ बन जाए और दूध सही आ रहा है 1-2 दिन में वहाँ किस एंटीबायोटिक का चुनाव करना सही रहेगा। तो देखिए, अगर हार्ड हो गया यानी फाइब्रोसिस की कंडीशन वहाँ पे हो गई है, गांठ बनी हुई है, इसका मतलब वहाँ पे फाइब्रोसिस की कंडीशन हो चुकी है और दूध भी वहाँ पे सही आ रहा है, तो इस केस में आप एंटीबायोटिक पे मत जाइए, अदरवाइज उसका जो मिल्क प्रोडक्शन है, मिल्क लेट डाउन है, वो भी काफ़ी प्रभावित हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन मिनरल सप्लीमेंटेशन से ही उसको ठीक कर देंगे, तो इसके लिए आप जनरल जो एंटी इन्फ्लामेटरी बोलस आते हैं वो उसको रेगुलर कीजिए। उसके अलावा इसमें आप आयोडीन का एक पाउडर आता है, आयोडीन का पाउडर आप चालू कीजिए। उसके अलावा जिंक मेसिलेट और जो मिनरल मिक्सचर होता है जिसमें आयोडीन भी हो जिंक भी हो, ये उसको आप चालू करवाइए, उससे निश्चित रूप से वो ठीक हो जाएगी। अगला कमेंट दोस्तों, ये पृथ्वीराज सोलंकी जी का ये कमेंट है कि सर फर्स्ट टाइम हीफर के रिपीट होने के क्या कोजेज हैं एंड व्हाट ट्रीटमेंट शुड बी डन इन दीज सिचुएशंस। तो देखिए, फर्स्ट टाइम जो हीफर होती है उसका रिपीट होने का मेन रीजन जो होता है वो होता है दोस्तों उसकी जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसकी जो बच्चेदानी है वो डेवलप नहीं हो पाती, ठीक है, उसका डेवलपमेंट पूरा नहीं हो पाता, इस वजह से वहाँ पे रिपीट होने के केसेज अपने को बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो इस स्थिति का ट्रीटमेंट करने के लिए दोस्तों अपने को सबसे पहले उसकी डीवर्मिंग रेगुलर करनी पड़ेगी, उसके अलावा जो मिनरल सप्लीमेंटेशन है वो उसको प्रॉपर देना पड़ेगा, ठीक है, डीवर्मिंग करवाइए उसकी, उसके बाद में उसको मिनरल मिक्सचर के सप्लीमेंटेशन पे आप रखिए लगभग 2-3 महीने तक। उसके बाद में जब उसकी बच्चेदानी अच्छे से डेवलप हो जाएगी, उसका जो
रिप्रोडक्टिव सिस्टम अच्छे से फंक्शनिंग में आ जाएगा, तब आप उसकी AI कीजिए या नेचुरल सर्विस करवाइए, उसके बाद में आपको बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट कमेंट है दोस्तों, हेमंत पांचाल जी का ये कमेंट है कि सर स्पाइनल इंजरी में डेक्सोमेथासोन इंजेक्शन लगा सकते हैं क्या? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, स्पाइनल इंजरी अगर उसको हो गई है तो उसके रिकवर होने के चांसेस बिल्कुल ही कम होते हैं। अगर बैकबोन में इंजरी है तो वो ज़रूर रिकवर हो सकती है। उस केस में अपन एपिड्यूरल जो डेक्सामेथासोन का यूज़ कर सकते हैं, उसके अलावा नरवाइन टोनिक अपने को उसको देने पड़ेंगे रेगुलर, तब जाके उसका इफेक्ट अपने को धीरे धीरे यहाँ पे देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन ने देखा कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे, कुछ डाउट्स थे वो अपन ने यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश की है। इसके अलावा और भी कोई डाउट्स हो तो आप अपने कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, निश्चित रूप से उनका समाधान करने की पूरी कोशिश की जाएगी। उसके अलावा दोस्तों, कमेंट्स सॉल्यूशन से रिलेटेड जो भी वीडियोज़ अपने चैनल पर अवेलेबल है उनको आप देखिए और अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए, तभी लोगों के डाउट्स दूर हो सके। धन्यवाद।